दोस्तों, जब हम अपने स्मार्टफोन को बेचने की सोचते हैं या फिर कोई दूसरा स्मार्टफोन जब हम खरीदते हैं, तो हमारे स्मार्टफोन में जो भी पुराने कॉन्टैक्ट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र करके अपने दूसरे स्मार्टफोन में हम रखना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें पहले पुराने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेना होता है। तो वो कैसे लेते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में कॉन्टैक्ट्स ऐप को ओपन करेंगे, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी कॉन्टैक्ट्स इस तरह से शो होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल राइट कॉर्नर में तो आपको थ्री डॉट्स दिखाई देंगे। इन थ्री डॉट्स पे जब आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ से सेटिंग्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो इस कॉन्टैक्ट्स के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन शो हो रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम डिवाइस स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू डिवाइस स्टोरेज, एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड। तो यहाँ पर हमें जब कॉन्टैक्ट का बैकअप लेना है तो हम एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर सिम कार्ड में आप सेव करना चाहते हैं इस बैकअप को तो एक्सपोर्ट टू सिम कार्ड कर देंगे, लेकिन सिम कार्ड की एक अपनी लिमिट होती है। अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास तो सभी सिम कार्ड में सेव नहीं हो पाते हैं, इसलिए बेटर ये रहेगा कि डिवाइस स्टोरेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक्सपोर्ट टू डिवाइस स्टोरेज वाला। उसके बाद में वहाँ से जो फाइल होगी उसे ब्लूटूथ या फिर किसी भी तरह से ट्रांसफ़र करके मेमोरी कार्ड में या कहीं और रख लें, और जो दूसरा हम स्मार्टफोन जब परचेस करेंगे या फिर जिस स्मार्टफोन में हम अपने कॉन्टैक्ट्स को रखना चाहते हैं उस फाइल की हेल्प से हम अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को फिर उसमें रिस्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट टू डिवाइस स्टोरेज पे जैसे ही टाइप करूँगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, कन्फर्म एक्सपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स विल बी एक्सपोर्टेड टू, यहाँ पर लोकेशन दिखाई दे रहा है और उसका नाम जो होगा कॉन्टैक्ट्स डॉट बी सी एफ होगा उस फाइल का। तो यहाँ से मैं ओके पे टैप कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके पे टैप करूंगा आप देखेंगे यहाँ स्टेटस बार में कुछ शो हो रहा है, तो इसे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपोर्टिंग कॉन्टैक्ट्स डाटा टू ऐसे लिख करके आ रहा है, वो फाइल का नाम है आगे। और यहाँ पर जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर माई फाइल्स का ऑप्शन आता है, तो इसे ओपन करके आप यहाँ पर डिवाइस स्टोरेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट्स डॉट बी सी एफ फाइल एक बनी हुई है। इस फाइल को आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेमोरी कार्ड में या फिर ब्लूटूथ के जरिए किसी दूसरे स्मार्टफोन में जो नया स्मार्टफोन आप लिए हैं। और जब आप इस फाइल पे टैप करेंगे तो टैप करते ही फिर आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि कॉन्टैक्ट्स में कहाँ पर आपको इसको मतलब किसके साथ में इसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पर अलाउ, और उसके बाद में फिर इस तरह से आएगा, यहाँ पर सभी नाम और नंबर शो होने लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे सिंपली करना क्या है कि ये जो सेव का ऑप्शन ऊपर दिखाई दे रहा है उस सेव के ऑप्शन पे मुझे टैप कर देना होगा और ये सभी कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएंगे जो कि मैंने बैकअप लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अब आप भी अगर कोई नया स्मार्टफोन लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी इस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट्स को ट्रांसफ़र करने में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।